सभी मित्रों को नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार की कृपा से आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा परेशान भी होंगे। आज का सफ़र जो है जोशीमठ से बद्रीनाथ की ओर हम लोग जा रहे हैं। बहुत अच्छी खासी रौनक है। बद्रीनाथ धाम का उत्साह, जो यात्रा का उत्साह होता है, वो आपको इन गाड़ियों के दौड़ने से ही दिखाई दे रहा होगा। बढ़ती गर्मी का असर यहाँ भी है, थोड़ा धुआं आपको दिख रहा होगा। और ये देखिए बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, हर कोई बद्री विशाल के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँच रहा है। थोड़ा मास्टर प्लान के काम चल रहे हैं, इसलिए थोड़े से रास्ते अलग अलग हो गए हैं। और ऐसे में इस समय हर तरफ सिर्फ भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन एक समस्या बद्रीनाथ धाम में हो गई है, वो ये है कि जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है वो इस बार सरकार ने चारों धामों के लिए लागू की थी, पर बद्रीनाथ धाम में यात्रा एकदम बिल्कुल कम है। जिस हिसाब से बद्रीनाथ में व्यवस्थाएँ हैं उस हिसाब से बहुत कम यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बद्रीनाथ में 30,000 से अधिक श्रद्धालु यात्री एक दिन के आ सकते हैं, जिनकी रहने खाने दर्शन की व्यवस्था यहाँ पे आराम से आसानी से हो सकती है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है उसने पूरी तरह से यात्रा को एकदम बिल्कुल कम कर दिया है। सुबह भीड़ होती है तो दिन में एकदम खाली हो जाता है, दिन में भीड़ होगी फिर शाम को खाली हो जाता है, जबकि बद्रीनाथ में लगातार भीड़ आती रहती है और दर्शन करते रहते हैं। कुछ लोग वापस लौटते हैं, कुछ यहीं रहते हैं, कुछ माणा वसुधारा फिर उससे आगे भी जाते हैं। ऐसे में इस समय रौनक तो है, लेकिन उन्हीं लोगों की है जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन पहले से है। अभी बीच में बात हो रही थी, उसके बाद शायद अभी जो नई गाइडलाइन आएगी तो उसमें शायद कल या परसों में कोई नई गाइडलाइन आने की उम्मीद है, जिसमें रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, फिर आप लोग भी आ सकते हैं। अभी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खोले गए हैं, जो कि 1500 ऋषिकेश, 1500 हरिद्वार और कुछ पांडुकेश्वर में किए जा रहे हैं। हर तरफ इस समय श्रद्धालुओं की भीड़ है, हर कोई आ रहा है बड़े उत्साह के साथ, क्योंकि बद्रीनाथ की यात्रा अपने आप में बेहद अद्भुत होती है, मोक्ष का धाम है। और जो यहाँ आता है उसे तो फिर अलग ही अनुभूति होती है। कहते हैं कि स्वर्ग अगर कहीं है तो वो बद्रीनाथ है, बैकुंठ भी इसे कहा जाता है। और जब यहाँ से हम लोग अभी मंदिर की ओर जा रहे हैं तो हर तरफ सिर्फ भीड़ दिखाई दे रही है, यात्रियों की भीड़ है। और अभी रजिस्ट्रेशन को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जून का महीना चल रहा है, अभी कुछ दिन और यात्री रहेंगे, बड़ी संख्या में लोग आएंगे, फिर मानसून आ जाएगा तो यात्रा पे असर पड़ता है। मानसून के दौरान लोग यात्रा कम करते हैं, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, कुछ लोग भागवत कराने आते हैं, कुछ क्योंकि बद्रीनाथ धाम का अपना महत्व होता है। हर कोई यहाँ पे इस समय अच्छी खासी भीड़, लेकिन फिर भी कम है, क्योंकि लोगों की शिकायत है रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन वालों को हरिद्वार, ऋषिकेश, गौचर, पांडुकेश्वर में ही रोक दिया जाता है। अगर ऑफलाइन में हो गया तो ठीक है, लेकिन जो लोग घर से चलने वाले हैं उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं खुले हैं तो वो लोग चल नहीं रहे हैं। ऐसे में बद्रीनाथ के लिए ये रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था वैसे होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बद्रीनाथ में, और अगर मान लो यहाँ पे 60,000 लोग भी अगर पूरे बद्रीनाथ यात्रा पे आते हैं तो गौचर से बद्रीनाथ तक 60,000 लोगों की रहने की व्यवस्था है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। और ये है जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, ये बद्री विशाल का अपना विशाल मंदिर। और इसका जब सिंह द्वार दिखता है ना तो अपने आप में बेहद अद्भुत, क्योंकि सिंह द्वार देखते ही ऐसा लगता है कि हमने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर दिए। इस मंदिर की एक बहुत बड़ी खासियत है, जो ये सिंह द्वार है, जो इसका लहर पताका लहराता झंडा है लाल, ये बद्री विशाल का झंडा है, जब ये दिखता है तो अपने आप में ये लगता है कि जय, ये भगवान बद्री विशाल के दर्शन हो गए हैं। भले ही अंदर करें ना करें, लेकिन इस मंदिर को जब हम यहाँ से दर्शन करते हैं सीधा तो ऐसा लगता है कि हो गए दर्शन, बद्री विशाल को देख लिया है। ये एक दिमाग में एक अनुभूति होती है और दर्शन करने की तो बात ही अलग है। देखिए अभी भीड़ है, सुबह का समय है, तप्त कुंड से लेकर मंदिर के मुख्य गेट तक खचाखच भीड़ है। इधर उधर सारे भवन टूट गए हैं, मास्टर प्लान के काम चल रहे हैं। और ये बद्रीनाथ का बाज़ार जहाँ पे माला, फोटू,
अलग अलग सामान जो यात्रा के लिए होता है, यात्रा बाजार पहले से ऐसी तरह चलता है। और ये मंदिर के लिए दर्शनों की भीड़ लगी है यहाँ पे। और आज हम आपको मंदिर के अंदर भी दिखाएंगे, भले ही मूर्ति नहीं दिखाएंगे लेकिन मंदिर के अंदर किस तरह का है वो दिखाएंगे। यहाँ से ये मुख्य सिंह द्वार है और यहीं से अंदर गर्भगृह में दर्शन करने के लिए जाते हैं। और ये मंदिर की बनावट अपने आप में बेहद अद्भुत है। और ये देखिए, अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बद्रीनाथ मंदिर के अंदर आ रहे हैं। और ये दूसरा रास्ता है जहाँ से मुख्यमंत्री, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो मंदिर दर्शनों के लिए आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पे इस समय सब चीज़ रोक दिया गया है और वो अभी यहाँ पे सबको हाथ जोड़ते हुए। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है वो लक्ष्मी मंदिर है, माँ लक्ष्मी का मंदिर है। इसी मंदिर में लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। और जहाँ मुख्यमंत्री जा रहे हैं ये बद्री विशाल का मंदिर है, गर्भगृह इसी के अंदर है। ये गर्भगृह है, यहाँ से अंदर गर्भगृह है, वहाँ कैमरा नहीं जा सकता है। और ये लक्ष्मी जी का मंदिर है यहाँ पे, ये माँ लक्ष्मी का मंदिर है गर्भगृह से। अब मुख्यमंत्री बाहर आ रहे हैं और अब लक्ष्मी मंदिर में विराजमान जाएंगे, दर्शन करेंगे। जब कपाट बंद होते हैं तो लक्ष्मी जी इस मंदिर से बद्री विशाल के गर्भगृह में जाती है, और जब कपाट खुलते हैं तो इस मंदिर में विराजमान हो जाती है। यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। वो यात्रा व्यवस्थाओं को देखने यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा है कि जल्द इस जो ये रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है बद्रीनाथ धाम में, उसे कम किया जाएगा, ताकि उसे हटा दिया जाएगा, मतलब कम मतलब जो कि बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है रजिस्ट्रेशन के कारण। वो अब यहाँ से शायद हो सकता है कि बद्रीनाथ यात्रा से हटा लिया जाए, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम बाद फिर से मानसून आ जाएगा, फिर यात्रा एकदम बिल्कुल डाउन हो जाएगी, फिर आते नहीं हैं। और जो मुख्य सीज़न है इस समय पे यात्रियों की लिमिट करना वो ठीक नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए बद्री विशाल का, क्योंकि मुख्य यहाँ पे तुलसी की माला चढ़ाई जाती, तो हर कोई मुख्यमंत्री जी को तुलसी की माला दे रहे हैं। और हर किसी को, मतलब हर एक तीर्थ यात्री से उन्होंने यहाँ पे पूछा किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस तरह दर्शन हो रहे हैं, हर किसी से फीडबैक लिया। ये अच्छा था उनका यहाँ पे आना, और उन्होंने माना भी कि यहाँ पे कह के ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं है जिससे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाए। और शायद हो सकता है कि आज और कल में ही कोई नया डिसीजन आ जाए कि इस तरह से इसे कर दिया जाए। तो इसके साथ ये है कि बद्रीनाथ धाम में फटाफट तेज़ी से जो है कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शायद ख़त्म हो जाए, और उसके बाद एक बार फिर से हर कोई यहाँ पे आसानी से पहुँच जाए, यही हमारी भी कामना है। जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। और ये देखिए, जब दोपहर के बाद भीड़ अचानक से कम होती है,